आपा। जी हाँ, इनके चाहने वाले इन्हें आपा कह के बुलाते थे। इनसे दुश्मनी मोल लेने का मतलब था आप जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। एक समय ऐसा था जब मुंबई में कबूतर भी इनकी मर्जी के बिना अपने पर नहीं फड़फड़ाता था। नागपाड़ा इलाका इनके जुर्मों का एक छोटा सा गलियारा था। हम बात कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कस्कर की बेटी हसीना पारकर की। इब्राहिम कस्कर के 12 बच्चे हुए, जिसमें से हसीना 7वें नंबर पर पैदा हुई। ये मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन थी। हसीना का जन्म 1959 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। एक वक्त वो था जब इनकी जिंदगी किसी आम आदमी की तरह थी, मगर 1991 में मुंबई में हुए गैंग वॉर की चपेट में उनके हस्बैंड इस्माइल पारकर आ जाते हैं। अरुण गौली के गैंग के एक आदमी ने उनके पति की जान ले ली थी। उनका बड़ा भाई दाऊद अपने बहन के शौहर की मौत का बदला लिए बिना चुप नहीं बैठने वाला था। हर वो आदमी जो इस्माइल पारकर की मौत की वजह से शक के घेरे में था, दाऊद के हत्थे चढ़ गया और दाऊद ने उन सब आदमियों की जान ले ली थी। फिर 1993 में हुए बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। इन ब्लास्ट की वजह से दाऊद को अपने जमे जमाए एम्पायर को छोड़ के हिंदुस्तान से भागना पड़ गया था। यहाँ से शुरू हुआ हसीना का सफ़र। हर वो काम जो पहले दाऊद संभाल रहा था, अब हसीना के हुक्म के मुताबिक चल रहा था। वसूली करना, किडनैपिंग, कालाबाजारी, किसी की ज़मीन हथिया लेना, ये सब काम हसीना के एक इशारे पे होने लगा था। हसीना जिस बिल्डर की भी मदद करती, उससे बदले में या तो फ्लैट या फिर एक बड़ी रकम ऐंठती थी। साउथ मुंबई से बांद्रा और कुर्ला तक किसी भी बिल्डर की मजाल नहीं थी कि उनकी इजाज़त के बिना कंस्ट्रक्शन कर ले। हसीना अपने नागपाड़ा में गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट से मुंबई की पूरी कालाबाजारी को संभालती थी। हवाला रैकेट्स पे उनकी बड़ी मजबूत पकड़ थी। भारत से मिडिल ईस्ट पैसा भेजना हो या फिर वहाँ से भारत में लाना हो, आपा की इजाज़त के बिना कुछ नहीं होता था। डिश केबल ऑपरेशन किस इलाके में किस आदमी के पास होना चाहिए, ये हसीना ही डिसाइड करती थी। हसीना अपने गुर्गों को ऑर्डर देती थी और वो काम हो जाता था। 2006 में हसीना ने अपने बेटे दानिश को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था, जो अपने मामा दाऊद का सबसे लाडला भांजा था। हसीना के नाम की वहशत इतनी थी कि पूरा नागपाड़ा कांपता था उनकी मौजूदगी से। फिर 6 जुलाई 2014 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से हसीना की मौत हो गई। ये वक्त रमज़ान का है और वो रोजे से थी जब उनकी मौत हुई।